हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना अपने चैनल द बीज गार्डन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइट वेट पॉटिंग सॉइल में कैसे बनाती हूँ वो बनाना सिखाऊंगी, और साथ ही अपने ब्लीडिंग हार्ट वाइन प्लांट को इसमें रिपोर्ट करके भी आपको दिखाऊंगी। तो इसमें मैंने ये ड्रेनेज होल्स बना लिए हैं 4, और इसके ऊपर हम कपड़ा बिछा लेंगे। कपड़ा इसलिए बिछा रही हूँ ताकि मिट्टी जब हम पानी डालें पौधे को तो नीचे से मिट्टी ना बहे, मिट्टी अंदर ही रहे, इसलिए ये कपड़ा बिछाया है। और साथ ही इसमें मैं कुछ भूसा भी डाल दे रही हूँ ऊपर से, और कुछ प्याज के छिलके भी डाल दिए हैं, ये कुछ टाइम में डिकम्पोज हो जाएंगे मिट्टी में ही। ये भूसा मेरे पास आम की पेटी में आया था तो इसमें यूज़ कर लिया है मैंने। धीरे धीरे ये डिकम्पोज हो जाएगा जब तक रूट्स यहाँ तक पहुँचेंगे। तो चलिए पॉटिंग मिक्स की हम रेसिपी देखते हैं कैसे बनाना है। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है कोको पीट। ये कोको पीट ही हमारे सॉइल को बहुत ही लाइट वेट बनाएगा। तो इस कोको पीट का मैं ज़रा सा हिस्सा ले लेती हूँ और इसमें हम पानी मिलाते हैं जिससे ये फूल के बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये हमारी मिट्टी को बहुत ही हल्का बना देता है। इसको हम जब पानी में मिलाते हैं तो ये 2-3 गुना बढ़ जाता है। इस तरह से आपको पानी मिलाना है। मैंने थोड़ा सा हिस्सा ही लिया है अपने उस ब्रेक का जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए कितना सारा हो गया है। तो मैं लगभग 60% के करीब ये कोको पीट लेने वाली हूँ अपने सॉइल मिक्स में। तो ये जो कोको पीट है ये बहुत ही यूज़फुल होता है, हमारी मिट्टी को अच्छा ड्रेनेज देता है, मतलब आसानी से पानी निकल जाता है, और न्यूट्रिएंट्स भी होल्ड करके रखता है ये मिट्टी में, और उसकी उसमें नमी बनाए रखता है हमारी मिट्टी में, जो हमारे पौधों के लिए अच्छी रहती है। जो ये मैं ब्लीडिंग हार्ट वाइन लगा रही हूँ उसको नमी पसंद है, तो उसके लिए ये मिट्टी परफेक्ट रहेगी, ये कोको पीट जिसमें ज़्यादा है। और ये हमारी जो मिट्टी है उसको बहुत ही लाइट वेट बनाएगा, और उसमें जो कोको पीट में है जड़ें भी आसानी से फैल जाती हैं। तो मैं इसमें ले रही हूँ ये गार्डन सॉइल ले रही हूँ 20%, और 20% के करीब मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, और एक मुट्ठी ये नीम खली भी आप ज़रूर मिलाएं एक मुट्ठी के करीब। ये फंगस वगैरह से बचाता है आपके प्लांट को और प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने ये मिला लिया है अपनी सारी चीज़ों को, और जो ये वर्मी कंपोस्ट भी आप जब 20% डालते हैं तो प्लांट जो है अच्छा से न्यूट्रिशन मिल जाता है हमारे प्लांट को कंटेनर में। और नीम खली जो होती है वो भी एक फर्टिलाइज़र ही होता है, साथ ही साथ रोगों से भी प्लांट को बचाता है। तो अब इस पन्नी से मैंने अपना ये प्लांट निकाल लिया है। अब इसकी जड़ों को हम हल्का हल्का सा खोल लेंगे। ये जो नर्सरी से मिट्टी आती है वो बहुत चिकनी होती है, उसमें सब ये रूट्स चिपकी हुई हैं। तो हल्के हाथों से हमें ये मिट्टी छुड़ा लेनी है थोड़ी साइड की, ज़्यादा ज़ोर से भी ना निकालें इसकी मिट्टी, नहीं तो जड़ें टूट सकती हैं। हल्के हल्के हाथ से इसकी साइड की थोड़ी रूट्स छुड़ा लें जिससे कि हमारी जो जड़ें हैं वो थोड़ी खुल जाएं और हमारी जो मिट्टी नई मिट्टी है उसमें आसानी से फैल सकें। तो इस तरह से मैंने सब ये छुड़ा लिया है हल्का हल्का। अब इसमें मैं ये पॉटिंग मिक्स साइड से भर दूंगी, और साइड से आपको नीचे को थोड़ा दबाते भी रहना है मिट्टी को जिससे कि थोड़े एयर पॉकेट ना रहें। तो चलिए भर लेते हैं इस मिट्टी को पूरा। तो मैं भर के आपको दिखाती हूँ पूरा। तो ये मैंने पूरा भर लिया है इसको, और साइड से आपको मिट्टी को नीचे प्रेस कर देना है अच्छे से, और उसके बाद हम अच्छे से इसको पानी दे देंगे। तो हमें पानी पहली बारी में खूब सारा डालना है इसमें, जिससे कि पूरा पानी नीचे से बह जाए। नीचे से पानी आना चाहिए तब तक आपको पानी डालते रहना है। थोड़ा और पानी डालूंगी मैं इसमें। ये देखिए पानी इसलिए डालते हैं कि इसमें जो एयर पॉकेट्स बने होते हैं वो थोड़े कम हो जाए, नीचे बैठ जाए मिट्टी आसानी से। तो ये देखिए पानी भी आ गया है, बहने लगा है। तो बस अब हमारा प्लांट को हम थोड़ा शेड में रखेंगे कुछ दिन, इसको सनलाइट में नहीं रखना है। वैसे भी ब्लीडिंग हार्ट प्लांट को ब्राइट सन में ही रखा जाता है, डायरेक्ट सन में इसको
नहीं रखा जाता है, और वैसे मॉनसून है तो ये आसानी से चल जाएगा। और मॉनसून सीज़न जो है प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये देखिए मेरा प्लांट हो चुका है रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसी मिट्टी बनाइए अपने बालकनी गार्डन या टेरेस गार्डन के लिए, हल्की मिट्टी से आपके बालकनी गार्डन में ज़्यादा वेट भी नहीं पड़ेगा और प्लांट्स भी आपका अच्छे से चलेगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये आज का वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। चलो फिर मिलती हूँ किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।